लोहे के इस कंटेनर में कुदरत के कहर से बचने का तकनीकी करिश्मा छिपा है। इसरो और नासा ने जब मिलकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का फार्मूला तलाशा तो नतीजा इस सैटेलाइट के तौर पर सामने आ गया। इस सैटेलाइट का नाम है निशार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निशार सैटेलाइट अमेरिका के नासा सेंटर से बेंगलोर पहुंच गया। अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान इस सैटेलाइट को लेकर पहुंचा। लॉन्च होने के बाद ये सैटेलाइट कुदरत में होने वाले बदलाव पर बड़ी बारीकी से नजर रखेगा। ये सैटेलाइट पूरी दुनिया को वक्त रहते तूफान, भूकंप, भूस्खलन, आग, ज्वालामुखी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देता रहेगा। इस सैटेलाइट को फिलहाल बेंगलोर के सैटेलाइट सेंटर में रखा गया है। रडार और सैटेलाइट को जोड़ने के बाद यहां इसके कुछ टेस्ट भी किए जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद इसरो अगले साल इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। निशार सैटेलाइट के निर्माण में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके मेस रिफ्लेक्टर का व्यास 40 फीट है। ये दिन और रात दोनों समय काम कर सकता है। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो GSLV MK2 रॉकेट इस्तेमाल कर सकता है। इसे नियर पोल अर्थ ऑर्बिट में तैयार किया जाएगा। ये 12 दिनों में धरती का एक चक्कर लगाएगा। इस सैटेलाइट का कुछ हिस्सा भारत में बना है, जबकि कुछ हिस्सा नासा ने बनाया है, यानी अमेरिका में बना है। इसका रडार इतना ताकतवर है कि ये 240 किलोमीटर तक के एरिया की साफ तस्वीरें ले सकता है। निशार सैटेलाइट अंतरिक्ष से पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। धरती पर कुदरत के कहर की जानकारी देने के साथ साथ ये धरती पर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के बारे में भी आगाह करेगा। इसके साथ ये अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे की जानकारी देगा। निशार सैटेलाइट में एक बड़ा मेन बेस होगा, जिसमें कई इक्विपमेंट्स लगे होंगे, साथ ही कई ट्रांसपोर्ट, टेलीस्कोप और रडार सिस्टम होगा। इसके अलावा इसमें से एक आर्म निकलेगा, जिसके ऊपर एक सिलेंडर होगा। ये सिलेंडर लॉन्च होने के कुछ घंटे बाद खुलेगा, तो इसमें डिश एंटीना जैसी एक बड़ी छतरी निकलेगी। ये छतरी ही सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यही दुनिया पर होने वाली प्राकृतिक गतिविधियों की इमेजिंग करेगी। वैसे सैटेलाइट और उसके पेलोड्स की कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। ये भारत और अमेरिका अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त साइंस मिशन है। निसार में दो प्रकार के बैंड होंगे, L और S। ये दोनों धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर नजर रखेंगे, साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने के असर की भी स्टडी करेंगे। खैर, भारत किस तरह से अंतरिक्ष की दुनिया में आगे बढ़ा वो इस खबर से आपको पता चल गया होगा। और इसरो ने फिर से अपनी काम कामयाबी का लोहा दुनिया में मनवाया। आपका क्या कहना है इसरो की सफलता को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।